हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप पावर पॉइंट से आप पहली स्लाइड को आप अट्रैक्टिव बना सकते हो। 3D में आप उसमें टेक्स्ट लिख सकते हो, आप इमेज लगा सकते हो, उसमें कोई शेप बना सकते हो और इतना अच्छा है, आपको अट्रैक्टिव लुक आ जाएगा कि आप अमेजिंग करोगे कि किस तरीके से आपकी ये स्लाइड बन गई। और इतना अच्छा इंप्रेशन हो जाएगा कि आपकी स्लाइड बन जाएगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लें सब्सक्राइब और वीडियो कर लें लाइक। तो सबसे पहले हम खोलेंगे नया पावर पॉइंट स्लाइड को, जिससे कि हमारा इस तरीके इसमें इंटरफेस आएगा। हमको न्यू स्लाइड में जाना है और करना है ब्लैंक को सिलेक्ट। तो इस तरीके का हमारा इंटरफेस आ जाएगा। अब हमको कहाँ जाना है, इंसर्ट में जाना है, शेप में करना है क्लिक। हमने शेप में कर दिया क्लिक, क्योंकि हमको लिखना है इसमें आई लव इंडिया, तो हमको पहले इसमें आई बनाना पड़ेगा। हमको शेप से सेलेक्ट करके किसी हो इसको हम आई में शेप में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हमने इसमें आई लिख लिया है, ये थोड़ा सा कुछ छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अब इसमें हमको इसमें पॉइंट बनाना होगा, तो हम यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ कर लेंगे। इसमें हम ये कर लिया ड्रॉ। अब हमको हार्ट बनाना होगा, जो लव का हार्ट है। यहाँ से क्लिक करके, वही शेप से क्लिक करके हमको इसमें हार्ट में करना होगा क्लिक। यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर देंगे हार्ट को, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। ये थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, जिससे कि और अच्छा लुक आ जाएगा इसका। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक है। अब हमने इसको बना लिया है। अब इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं। हमने कर लिया पूरा सेलेक्ट इसको, और फिर से जाएंगे होम पे और यहाँ जाएंगे अरेंज में और कर देंगे इसको ग्रुप। अब हमने इसको बना दिया। अब हमने इसको लिखना है इसमें इंडिया, तो हम जाएंगे इंसर्ट में और वर्ड आर्ट में करेंगे क्लिक और इसको कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करके इसको, और फिर इसके बाद में इसको ले लेंगे नीचे, इसमें लिखेंगे इंडिया। इंडिया हमने लिख लिया, और इसका साइज हम और बड़ा कर लेंगे कि हमारा इसी साइज का आ जाए। हम होम पे क्लिक करेंगे, इसको साइज बड़ा कर लेंगे। अब हमको कितना साइज बड़ा करना है हमको इसमें देखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो इसको बड़ा करने में। ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसको। ठीक है, इतना ठीक है, हमारे इतना सही है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको जो हमने ग्रुपिंग किया था इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद हमको क्लिक करना है राइट क्लिक और फॉर्मेट शेप में क्लिक करना है। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, जब हम इसमें इस सेलेक्ट कर लेंगे तो इस तरीके का हमारा इंटरफेस आ जाएगा। फिर लाइन कलर में जाएंगे और नो लाइन में क्लिक कर देंगे, जिस तरीके से हमारा ये दिखने लगेगा। फिर हमको कहाँ जाना है, 3D रोटेशन में इसमें क्लिक करना है और पैरेलल में ये वाला सेलेक्ट करना है, तो इस तरीके का हमारा आ जाएगा। अब 3D फॉर्मेट में जाना है हमें, टॉप में सेलेक्ट करना है ये बेवल में, इस तरीके का, इस तरीके का आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ऊपर को हो गया ये। अब यहीं पे जाना है हमको डेप्थ में, यहाँ पे हमको वैल्यू डाल देनी है 30, क्योंकि हमको 30 करेंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा, ये आ रहा है। और यहीं पे हमको क्लिक कर देना है इसके कलर में, तो कलर हम कोई भी ले सकते हैं कलर इसमें। तो हम कलर कौन सा ले लेंगे, येलो कलर ले लेंगे। देखिए कितना अच्छा लुक आ गया इसका। अब इसमें क्या करेंगे हम, और सरफेस में जाएंगे कि मटेरियल इसका स्मूथनेस आ जाएगी सरफेस में, इसमें शाइनिंग आ जाएगी। इस तरीके से जो आप चाहो उसको ले सकते हो, जो आपको सूटेबल लगे यहाँ से ले सकते हो आप। अगर नहीं लेना है तो आप नहीं भी ले सकते हो। तो हमने यही वाला रखा है, ये वाला थोड़ा सा इसमें लाइट हो गया, डार्क चाहिए था तो इतना हमारा ठीक है ये। अब हमको क्या करना पड़ेगा, शैडो में क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि हमने 3D बनाया है, तो शैडो अगर नहीं रहेगा तो हमारा 3D उतना अच्छा लुक नहीं देगा। तो थोड़ा सा हम क्लिक कर लेंगे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी में, साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हम, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, हमने कर लिया थोड़ा सा छोटा इसको। ब्लर में अगर करना चाहो तो ब्लर कर सकते हो आप, थोड़ा सा ब्लर कर लिया हमने। एंगल आप दे सकते हो, कोई भी एंगल दे सकते हो इसको, कि आप किस एंगल से इसको देख रहे हो। तो हमने ये एंगल थोड़ा सा इसको, और इसके डिस्टेंस दे सकते हो, कितनी आपको दूर रखना है उसको, इसकी शैडो को, तो हमने इतना दे दिया इसको। अब हमारा ये तो हो गया कंप्लीट। अभी थोड़ा इसमें बाकी जो हार्ट है इसको हमको कलर करना है। तो कलर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
इसके हार्ट में करना पड़ेगा दोबारा क्लिक, तभी ये होगा सेलेक्ट। और फिल से फिल में जाएंगे और इसको रेड कर देंगे, तो ऊपर ये रेड हो जाएगा। अब हमारा ऊपर वाला ये को कंप्लीट, अब ये हमारा जहाँ लिखा है इंडिया, तो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और फिर से जाएंगे फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट्स में, हमारा फिर से वैसे ही खुल जाएगा, सेम हमको वैसे ही करना है। फिर से हम जाएंगे कहाँ पे 3D रोटेशन में और यहाँ क्लिक करेंगे और ये वाला फिर से वही सेलेक्ट करेंगे हम, हमारा इस तरीके का ही आ गया। अब हमको क्या करना होगा, 3D फॉर्मेट में जाना होगा, यहाँ सेलेक्ट करना होगा बेवल में सबसे पहले नंबर वाला, इस तरीके का हमारा आ गया। अब फिर से हमको इसको डेप्थ सेलेक्ट करेंगे, डेप्थ हमको कितनी सेलेक्ट करनी है इसकी 30, इसमें भी डाल देंगे, देखिए ये हमारी 30 होगी। अब इसमें कलर हमारा क्या है, कलर हम फिर से वही येलो सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि हमारा कलर ये वाला आ जाएगा, हमारा ये कलर आ गया। अब इसका कलर ये आई का इधर कलर दूसरा हो रहा है, इधर दूसरा हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से हम जाएंगे टेक्स्ट फिल में और यहाँ से सॉलिड कलर ले लेंगे और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कलर वही जो उसमें है, तो कौन सा कलर है, ये वाला कलर है, तो हमने वही कलर ले लिया इसका। अब हमको इसकी बनानी है शेडो, फिर से हम क्लिक करेंगे शेडो में और यहाँ से फिर से ट्रांसपेरेंसी इसकी सेलेक्ट करेंगे कि हमको कितनी चाहिए उसी तरीके से, और इसकी साइज हमको कितना चाहिए, तो देखिए हमारी शेडो बनने लगी है, थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं हम, और ब्लर में थोड़ा सा हम कर लेंगे, ब्लर ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा करेंगे हम, थोड़ा सा और करेंगे, पूरा 0 हो गया। वैल्यू आप डाल सकते हैं, कर्जर से भी कर सकते हैं आप, तो इतना ठीक है। अगर एंगल देना चाहो तो आप एंगल दे सकते हो, तो डिस्टेंस देना चाहो तो डिस्टेंस भी दे सकते हो, तो हमने इतनी डिस्टेंस दी है। तो ब्लर थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कर देते हैं कम, और इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं जिससे कि इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा ना रहे। अब हमारा ये इतना तो बन गया है, अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा पोजीशन पे लगाना है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा इसको पोजीशन में लगा लेंगे इसको, कि थोड़ा सा ये ऊपर आ जाए, थोड़ा सा और ऊपर, कि जिसकी पास में देखें बिल्कुल ये। और हमने इसको भी सेलेक्ट कर लिया है, थोड़ा सा हम इधर को ले लेंगे, थोड़ा सा ऊपर को, और इसको ले लेंगे थोड़ा सा और ऊपर को, ये इस तरीके से देखिए आप, आपको पूरा 3D नज़र आएगा। अब हमको क्या करना, पूरा कंट्रोल ए करके पूरा सेलेक्ट कर लेना है और फिर से जाना अरेंज में क्लिक करके और इसको करना है ग्रुप। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, अब इसको जहाँ चाहें आप इसको रख सकते हैं और इस तरीके से बना सकते हैं। और अगर हम इसको F5 करके प्रेजेंट करके देखेंगे तो हमारा इस तरीके का दिखेगा, देखिए कितना अच्छा लुक दिख रहा है। तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, आप इस स्लाइड के पहले ही स्लाइड में आप लगा सकते हैं, जो आपका प्रेजेंटेशन है उसकी पहली स्लाइड में आप लगा सकते हैं, तो कितना अच्छा लुक आ रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो आया होगा पसंद और आप इसको करेंगे ट्राई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।